प्राइज द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और बार आज की सुबह वो सुबह जो प्रभु ने आपको और मुझे बड़े प्रेम से दी है, तो बोलो गॉड्स मॉर्निंग। प्रभु की स्तुति हो, उसके नाम को महिमा मिलती रहे। मैं चिंता करता हूँ इस बात की कि कभी उसे नाराज ना कर दूं। इसराइलियों ने जो नाराज किया तो प्रभु ने छोड़ा नहीं। खैर, वो दिन अलग थे, आज का दिन अलग है। आज प्रभु आपका मेरा न्याय नहीं कर रहा, बड़े प्यार से वो छोड़ देता है, बड़ा प्यार करता है, ना कभी छोड़ त्याग था, परंतु चाहे जो भी कर ले हम, वो हमसे प्यार करता है। पर अब परमेश्वर, इसमें एक बड़ी बात है ना, समझने वाली बात है। अगर मेरी कमियों से भी वो बर्दाश्त कर रहा है मुझे, पर अगर क्या हो कि मैं उसका लाडला ठहरूं, तो मुझे वो बहुत कुछ देने वाला है। वैसे इसमें भी जब कुछ बहुत मिल जाएगा ना, तो इसमें भी दो बातें हैं। पहले तो ये कि बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ जाएगी आप पर, और दूसरी ये, वो जिम्मेदारियां उठाने के लिए बड़ा दुख भी उठाना पड़ता है। सो अगर आप सुख लेते हो तो दुख के बारे में ज्यादा मत सोचो, है ना। दुख इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। और प्रभु ने कभी वादा नहीं किया कि तुझे मैं फूलों की जिंदगी दे दूंगा, आराम की। ऐसा कभी प्रभु ने वादा नहीं किया। प्रभु ने कहा कि हर परिस्थिति का सामना करने की सामर्थ्य दूंगा, तेरे लिए मेरा अनुग्रह ही काफी है। आइए शुरुआत करते हैं। आज पढ़ेंगे यशायाह की पुस्तक। बड़ी मजेदार है ना ये पुस्तक, और 12 अध्याय, सिर्फ 6 पद हैं इसमें। धन्यवाद का गीत, बुक ऑफ यशायाह, चैप्टर 12 वर्स 1-6। उस दिन तू कहेगा, हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, क्योंकि यद्यपि तो मुझ पर क्रोधित हुआ था, परंतु अब तेरा क्रोध शांत हुआ और तूने मुझे शांति दी है। परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा और न थरथराऊंगा, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय है, और वह मेरा उद्धार करता हो क्या है। तो आनंद पूर्वक उद्धार के सोते से जल भरेगा। उस दिन तुम कहोगे, यहोवा की स्तुति करो, उससे प्रार्थना करो, सब जातियों में उसके बड़े कामों का प्रचार करो, और कहो कि उसका नाम महान है। यहोवा का भजन गाओ, क्योंकि उसने प्रतापमय काम किए हैं, इसे सारी पृथ्वी पर प्रकट करो। हे सियोन में बसने वाली, तू जय जयकार कर और ऊंचे स्वर्ग से गा, क्योंकि इज़राइल का पवित्र तुझ में महान है। हालेलुया। दिस इज नॉट अ सॉन्ग, ये गीत नहीं है, यह आज्ञा है, प्रेरणा है, और यह इज़राइल की जिम्मेदारी है, या ये कहो बेटे और बेटी की जिम्मेदारी है कि अपने जीवन से पिता की महिमा करें। तब आप पर निर्भर करता है। देखिए, कभी कभी नजरिया जैसे बदलता है ना, लोगों की जिंदगी बदल जाती है। लोग क्यों कहते हैं, मेरा पुराना जीवन, पुराना स्वभाव, मेरा ये परिवार परिवेश ठीक है, लेकिन अब मैं ये नहीं हूं, क्योंकि उनका नजरिया बदल गया, उनकी जिंदगी अब बदल गई नजरिया बदलने से। शायद इसको इस रीति से समझिए, मैं मेरी जिंदगी जीऊंगा, कहते ना हम तो अपनी मस्ती में आग लगे बस्ती में, एक नजरिया ये, एक नजरिया ये है किसी को कोई तकलीफ ना हो, मेरी वजह से कोई तकलीफ ना हो, मैं खुद आनंद नहीं परंतु वो भाई भी आनंदित होना चाहिए। दोनों में अंतर है, और ये दोनों में जो अंतर है यही जिंदगी को बदल देता है। यही बात प्रभु आपसे और मुझसे चाहता है। आइए प्रार्थना करें। प्रभु, हमारे दिल और मन को खोलने के लिए तेरा शुक्रिया। हमारे बहुत से भाई बहन अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने ना अपना दिल खोला ना अपना मन खोला है। हम मांगते हैं तेरी भलाई, तेरी करुणा उनके लिए, और रास्ते खोल, हमें सच्चा, अच्छा और सही तरीके से गवाही देने वाला बना प्रभु, ताकि प्रभु ये गवाही दुनिया की जिंदगी बदलने वाली हो। तेरी महिमा सदैव की है, तेरे जैसा कोई और नहीं खुदा। हमने मांगा तू हमेशा देता है, और आज मैं फिर मांगता हूं मेरे भाई बहन को जो तेरे वचन में संगति करते हैं, इन्हें इनके परिवार को आशीषित कर। ये दिन आशीषित हो, हर दिन प्रभु जो तुझ में शुरू हो और अंत हो आशीषित हो। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष करे, उसकी भलाई, उसकी करुणा आपके जीवन में हो। एक भाई ने मैसेज किया और कहा कि आप बहुत छोटी छोटी प्रार्थना करते हैं, थोड़ी लंबी प्रार्थना कीजिए। मेरे परमेश्वर का वचन है, कहता कि तू बकवादी ना हो, तेरे शब्द तुझे पता हो,
मैं क्या कहता हूं क्या नहीं कहता। ढेर सारी बातें करना उचित नहीं है, पर जो बात करते हो वो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बात कर रहे हो, यानी कि आप क्या प्रार्थना कर रहे हो वो आपको पता होना चाहिए। मुझे शब्द पता है और मैं एक एक शब्द बोलने से पहले जानता हूं कि मैं उसे क्यों कह रहा हूं, उनका अर्थ क्या है। आई डोंट कॉपी बट वॉट आई रियली फील फ्रॉम इनसाइड एज द वर्ड ऑफ गॉड सेज, कि आत्मा आहें भर भर कर हमें प्रार्थना करना सिखाता है, हम में होकर परमेश्वर से प्रार्थना करता है। ये बात आपको और मुझे अपने आत्मिक जीवन में लानी पड़ेगी। वेल, आप तो खुद नहीं कर सकते, मांगो प्रभु से और परमेश्वर देगा। मेरी प्रार्थना आपके लिए यही है, आमीन। जय मसीह के। इस खूबसूरत दुनिया के अलग अलग चेहरे, कोने कोने के चेहरे, इस देश के चेहरे, उस देश के चेहरे, चेहरा कोई भी हो लेकिन उस पर मुस्कुराहट सिर्फ यीशु मसीह के नाम के कारण ही होती है।